हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइटरूम के दो टूल्स ऐसे बताने वाला हूं जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। अगर आप ये टूल्स जान जाएंगे तो आपका एडिटिंग गेम बहुत ही ज़्यादा ऊपर और नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो क्या आप लोगों को पता था कि लाइटरूम मोबाइल ऐप से आप अपनी फोटोज पे वाटरमार्क डाल सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता था इस बारे में, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा था वो अपनी फोटो मतलब लाइटरूम से के ऐप से एडिट करते और फिर तीसरे ऐप पे जाते अपना वाटरमार्क प्लेस करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये लाइटरूम से कैसे होता है। आप अपनी फोटो एडिट की, फिर ऊपर देखिए आपको शेयर का एक ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं। सॉरी, राइट साइड में पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, ग्लिच है शायद वो। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन रहता है सेव टू डिवाइस, उसके साइड में देखिए आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए शेयर विद वाटरमार्क का आपको ऑप्शन मिलता है, उसको आपको एनेबल कर देना है। फिर उसके बाद देखिए नीचे आप अपना वाटरमार्क डाल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे अपना रखा है अविनाश, आप वहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी मतलब जो भी आपका पेज है फोटोग्राफी का, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप वो जो कॉपीराइट का साइन है उसे भी आप हटा के कुछ भी वहाँ पे रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने यहाँ पे वाटरमार्क को जगह जगह पे प्लेस कर सकते हैं। देखिए आपको डॉट्स दिख रहे हैं, चलिए सबसे पहले मैं साइज बड़ा करके आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए आप जो डॉट्स पे क्लिक करेंगे उस जगह पे आपका वाटरमार्क चला जाएगा और वहाँ पे आप अपने वाटरमार्क को रख सकते हैं। अब देखिए आपको टेक्स्ट पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो बोल्ड बी वाला सेक्शन, आप उससे अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, आई से इटैलिक्स और इससे रोटेट, अपने टेक्स्ट को रोटेट करके भी कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। आपको दो फॉर्मल कलर्स मिलते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। अब देखिए यहाँ से आप साइज और ऑफसेट भी चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट से आप अपने वाटरमार्क को कहीं पे भी फोटो में प्लेस कर सकते हैं, ओपेसिटी से आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चलिए देखिए बैक करते हैं और आपको अपनी फोटो को करना है सेव। अब जिस हिसाब से जिस जगह पे उसको प्लेस करेंगे अपने वाटरमार्क को, वो वहीं पे सेव हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको गैलरी में लेके चलूंगा। यहाँ पे देखिए हमारी फोटो हो चुकी है एक्सपोर्ट। अब चलिए चलते हैं गैलरी पे। गैलरी में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसी फोटोज में, आप देखना कि जो ऊपर वाटरमार्क हमने कहाँ सेव किया था वो देखिए वो ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपीराइट अविनाश यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये टूल के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। तो चलिए अब देखते हैं अपने सेकंड टूल को। तो अब चलिए बात करते हैं सेकंड टूल की। ये टूल कब काम करता है? जब आप एक जगह पे बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेते हैं और आपको सेम एडिटिंग्स उसमें सब में डालनी होती है, या फिर आपकी एक इंस्टाग्राम पे थीम चल रही हो तो आपको सेम फोटोज एडिट करनी होती है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉपी सेटिंग्स कर लेते हैं, सारी सेटिंग्स मतलब एडिटिंग को कॉपी करते हैं और फिर स्लाइड करके वन बाय वन उसमें कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको टूल जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिए। बस आपको यहाँ पे कॉपी सेटिंग्स कर लेना है और सिंपली आपको बैक जाना है और आपको उन सारी फोटोज़ को सेलेक्ट करना है जिन पे आपको सेम एडिटिंग करना है। और सेलेक्ट कैसे करना है, बस टैप करके होल्ड करिए और देखिए कुछ इस तरह से वो सेलेक्ट वन बाय वन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे मुझे पांच फोटोज़ पे करना है, फिर आपको उसके बाद आपको थ्री डॉट का ऊपर साइन दिखता है और जो फिफ्थ ऑप्शन है पेज सेटिंग का, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई पे एक छोटा सा टैप कर देना है। उसके बाद आप देखना जो पांच फोटोज़ हैं हमारी वो पहली फ़ोटोज़ की ही तरह एडिट हो जाएंगी। तो ये देखिए कितना ही मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार टूल है, आपको कितना ज़्यादा ये टाइम आपको सेव करके देता है। आप देख सकते हैं सब में सेम फोटोज़ की मतलब जो एडिट थी वो सेम टू सेम अप्लाई यहाँ पे हो चुकी है। तो ये टूल के बारे में भी बहुत ही कम लोगों को पता है। ये टूल आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम बचा के देता है, या तो फिर जब आपके कस्टमर्स को फोटो बहुत जल्दी चाहिए होता है तब ये काम करके देता है। तो इन दी एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी या आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुँच जाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।